आप लोग के सामने सब कुछ क्या है, स्किन देख लो कितना ज़्यादा ग्लो है, स्किन कितनी ज़्यादा हेल्दी है एंड फेयर स्किन टोन भी कितना इंस्टेंट मिला है मुझे। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई काले हो तो क्या हुआ, आपका दिल साफ है, आपका दिल अच्छा होना चाहिए। बट अगर रही बात तो ध्यान रखना कि ये बात सिर्फ आप उन्हीं लोगों से सुनोगे जिनका कॉम्प्लेक्शन पहले से फेयर है, जो पहले से ही गोरे हैं। तो हम उनको साइड में रखते हुए सिर्फ हम अपने ऊपर फोकस करेंगे एंड देखते हैं कि कैसे हम अपने स्किन को कैसे डार्क से फेयर कॉम्प्लेक्शन तक ले जाएंगे सिर्फ 15 दिनों में। एंड 15 दिन में ही आप अपना रिजल्ट देखोगे कि कैसे मैंने डार्क कॉम्प्लेक्शन से कैसे अपना फेयर कॉम्प्लेक्शन तक चेंज किया है। आप मेरी पुरानी फोटोज देख सकते हो एंड देख सकते हो कि पहले मेरा कॉम्प्लेक्शन कितना ज्यादा डार्क था। बट इस चीज को फॉलो करते हुए आज मुझे इतना समय हो चुका है कि अभी मेरा आप रियल स्किन टाइप देख सकते हो, स्किन कंडीशन देख सकते हो कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा गोरा हूँ, बट पहले से काफी हद तक मुझे बेहतर रिजल्ट मिला है। तो आज इस वीडियो में आपको सिर्फ दो चीज बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपना कॉम्प्लेक्शन यहां से यहां तक ले जाओ। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी घर होगा जिस घर में दूध नहीं आता होगा, बट यहाँ जो मैटर करता है वो मैटर करता है क्वालिटी, कि आपकी दूध की क्वालिटी कैसे है, आपके घर में किस क्वालिटी का दूध आ रहा है। क्योंकि जितना अच्छा दूध होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट, उतना ही जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ध्यान में रखना कि जब भी आपके घर में दूध आता है, सुबह शाम रात जब भी आता है, तो 5 से 6 चम्मच कच्चा दूध आपको रॉ निकाल लेना है। ध्यान रखना रॉ मिल्क कच्चा दूध जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना बॉयल नहीं होता, अगर हम बात करें यहाँ एप्लीकेशन की। तो 5 से 6 चम्मच रॉ मिल्क मैंने कटोरी में निकाल लिया है। अब किससे आप अप्लाई करोगे वो आप अपना देख लो। मैं यहाँ कॉटन से अप्लाई कर रहा हूँ, आप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, बट जितना अच्छे कॉटन से अप्लाई होगा उतना किसी और चीज़ से नहीं होगा। तो कॉटन अच्छी तरीके से डिप करोगे एंड अपने पूरे फेस पे इसको धीरे धीरे अप्लाई कर लेना। ऐसा अप्लाई करना कि आपको लगे कि एक पूरी लेयर मिल्क की मेरे स्किन पर आ चुकी है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैसी है, बट रिजल्ट उतना ही अच्छा है। पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लोगे, फेस पे बहुत अच्छा मॉइस्चराइज इफेक्ट भी देगा। तो पूरी तरह की फेस पे अप्लाई कर लो एंड नॉर्मली इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए छोड़ दोगे फेस पूरा ड्राई हो जाएगा। 10 मिनट हो चुका है, फेस मेरा थोड़ा टाइट हो चुका है एंड मिल्क भी सूख चुका है। वॉश करने के बाद मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा, आप खुद हैरान हो जाओगे एंड फेस पे कितना ज्यादा ग्लो रहेगा। तो वॉश मैंने कर लिया है, नाउ देखते हैं रिजल्ट के टाइम की जो इंस्टेंट रिजल्ट हमें मिला है वो कितना ज्यादा अच्छा है। तो रिजल्ट ये आप देखो कि आप मेरी स्किन की कंडीशन देखो कितना ज्यादा हेल्दी है, कितना ज्यादा ग्लो है। एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके बाद मैं अपने स्किन पे कुछ भी नहीं अप्लाई करने वाला हूँ। अगर दिन में यूज कर रहे हो तो सनस्क्रीन मस्ट है, अगर रात में भी इसे यूज कर रहे हो कुछ भी, मैं मॉइस्चराइजर भी अपने स्किन पे लगाने नहीं वाला हूँ क्योंकि स्किन पे पहले से ही इतना ज्यादा हेल्दी ग्लो है। दिन में यूज किया था इस वजह से लगा रहा हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाने के बाद सिंपली छोड़ देना एंड इसको 15 दिन तक फॉलो कर लो, गारंटीड स्किन इतनी ज्यादा फेयर हो जाएगी आप भी हैरान हो जाओगे एंड ऊपर से हेल्दी भी हो जाएगी। सो डू ट्राई दिस यार, मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। आप मेरे स्किन पे इस टाइम ग्लो देख सकते हो, सिर्फ सनस्क्रीन लगाया एंड अपना मिल्क वाला जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया। सो डू ट्राई दिस, डेफिनेटली इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपने दोस्त फैमिली में शेयर कर दो जिसको लगता है कि नहीं मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है एंड आज से मुझे इसे ठीक करना है। तो ये दो चीजें आपकी स्किन को जैसे मैंने कहा यहाँ से यहाँ लेके जाएगी। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई अगर आपको कभी भी लगे कि आपके फेस पे ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई और रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे वहाँ डीएम भी कर सकते हो एंड कमेंट में भी मुझे बता सकते हो। डेफिनेटली मैं उस पर बात करूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।